अकोला 24 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रीय पत्रकार दिन के मौके पर बारसीटाकली के पत्रकारों को किया गया सम्मानित। अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडल बारसीटाकली की ओर से आज दिनांक 19 नवंबर सोमवार को सुबह 11 बजे बारसीटाकली स्थित श्री कोलेश्वर मंदिर में राष्ट्रीय पत्रकार दिन के मौके पर बारसीटाकली तहसील के तमाम पत्रकारों को आमंत्रित कर उनका गुलाब पुष्प देकर सम्मान किया गया। हर परिस्थिति में हर खबर समाज तक पहुंचाने में हमेशा पत्रकारिता का सबसे बड़ा योगदान रहा है, ऐसा साहित्यिक श्री तुलसीराम बोबड़े ने अपने संचालन में कहा। इस मौके पर ज्येष्ठ पत्रकार जेठा भाई पटेल, मुफीज खान, इरफान अहमद शेख, शाहिद इकबाल खान, राहुल राउत, रौल्ला खान, भिंगार दिवे साहेब, इन सब का सम्मान किया गया। इस समारोह का आयोजन श्री गुरुदेव सेवा मंडल ने किया। इस समारोह आयोजन में श्री गुरुदेव सेवा मंडल के जिला प्रसिद्धि प्रमुख डॉक्टर अशोक रत्न पारखी, तहसील प्रचार प्रमुख देवीदास कावरे, कृषि भूषण मधुकर राव सरफ, साहित्यिक तुलसीराम बोबड़े, हरिदास जी रत्न पारखी, रवि सिंह डाबे राव, धनंजय ढोरे, बबन राव कावरे, प्रीतेश गवई, प्राध्यापक योगेश सरफ तथा सदाशिव सांगड़े ने सहभाग लिया। इस कार्यक्रम का संचालन तुलसीराम बोबड़े ने और आभार प्रदर्शन देवीदास कावरे ने किया। आज जागतिक पत्रकार दिनाच्या निमित्तानं आपल्या राष्ट्रीय पत्रकार दिनाच्या निमित्तानं आपल्या बारसीटाकळी शहरामध्ये अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडळ बारसीटाकळी तालुका कार्यकारिणीच्या वतीनं शहरातील तसेच तालुक्यातील विविध पत्रकार न्यूज चॅनलचे सर्व पत्रकार बांधव यांचा गुरुदेव सेवा मंडळाच्या वतीनं एक सन्मान आणि त्यासोबतच दिवाळी मिलन असा एक कार्यक्रम या कोलेश्वर मंदिरामध्ये आपण आयोजित केलेला आहे। मी त्यानिमित्तानं सर्व पत्रकार बांधवांचे अखिल भारतीय गुरुदेव सेवा मंडळाचा तालुका प्रचार प्रमुख या नात्यानं सर्वांचं अभिनंदन करतो, सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत करतो। आणि आपण जी सेवा देत आहात समाजाला, समाजामध्ये जे काम करत आहात, गुरुदेव सेवा मंडळाचा सुद्धा प्रचाराचं काम आपण सर्व करत आहात, त्याबद्दल आपले अभिनंदन करतो। पुन्हा सर्वांना धन्यवाद देतो। जय गुरुदेव। अकोला 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, ताकि आपको मिले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले।